विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के दिशा निर्देशों के अनुसार फाइनल ईयर की परीक्षाएं आयोजित कराई जाएंगी या नहीं, यह बात सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर निर्भर है। उम्मीद है कि आज 24 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर अपना फैसला सुना देगा। इससे पहले 18 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने मामले में सुनवाई पूरी करके फैसला सुरक्षित रख लिया था। अदालत ने सभी पक्षों को अंतिम दलीलें लिखित में पेश करने के लिए 3 दिन का वक्त और दिया था। UGC द्वारा फाइनल ईयर की परीक्षाएं अनिवार्य करने वाले दिशा निर्देशों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर छात्रों की ओर से कहा गया है कि देश भर में कोरोना संक्रमण बढ़ता जा रहा है, ऐसे में परीक्षाएं कराने से छात्रों के स्वास्थ्य और जीवन को खतरे में डालना होगा। अतः UGC की गाइडलाइंस को रद्द कर बिना परीक्षा के ही रिजल्ट घोषित कर दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से JEE और NEET परीक्षाओं को स्थगित करने की मांग वाली याचिका हाल में खारिज कर दी थी, उससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि विश्वविद्यालयों की फाइनल ईयर की परीक्षाएं भी रद्द नहीं होंगी। हालांकि इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करना ही होगा।